किचन के लिए महंगाई के मोर्चे से राहत देने वाली खबर है। खाने का तेल सस्ता होना शुरू हुआ है। वैश्विक बाजार में कीमतें घटने और घरेलू सप्लाई में सुधार की उम्मीद से दाम घटे हैं। महीना भर पहले जो सरसों तेल 200 रुपए किलो मिल रहा था, वो अब 187 रुपए में बिक रहा है। सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल की कीमतें भी इसी तरह घटी हैं। और जिस रफ्तार से वैश्विक बाजार में दाम घटने लगे हैं, उन्हें देखकर लग रहा है कि खाने का तेल और सस्ता हो सकता है। भारत को बड़ी मात्रा में पाम ऑयल सप्लाई करने वाले देश मलेशिया में सोमवार को पाम ऑयल की कीमतों में 7 से 8% की बड़ी गिरावट आई है। बुर्सा मलेशिया एक्सचेंज पर पाम ऑयल का वायदा 5000 रिंगिट के नीचे आ गया। विदेशी बाजार में भाव घटते ही घरेलू बाजार में खाने के तेल के दाम 10 से 15 रुपए घटा दिए गए हैं। विदेशों से वनस्पति तेल आयात रिकवर होने से सप्लाई में भी सुधार हुआ है और उसका असर कीमतों पर भी दिखा है। अप्रैल के मुकाबले मई में खाद्य तेल आयात 16% ज्यादा बढ़कर 10.61 लाख टन दर्ज किया गया। सूरजमुखी तेल आयात में रिकवरी से ये सप्लाई बढ़ी है। खाद्य तेलों की सिर्फ वैश्विक सप्लाई में सुधार से ही कीमतें नहीं घटी हैं, बल्कि घरेलू तिलहन की उपज बढ़ने का भी अनुमान है। कृषि मंत्रालय ने इस साल देश में रिकॉर्ड 385 लाख टन तिलहन पैदा होने का अनुमान लगाया है। पिछले साल देश में 359 लाख टन तिलहन का उत्पादन हुआ था। तिलहन उत्पादन बढ़ने से घरेलू खाद्य तेल की सप्लाई बढ़ सकती है। इस साल देश में मानसून भी सामान्य रहने का अनुमान है, जो खरीफ तिलहन की पैदावार को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। ऐसा होने की स्थिति में खाने के तेल की सप्लाई में इजाफा हो सकता है, जो कीमतों पर असर डालेगा। कुल मिलाकर आने वाले समय में खाद्य तेल सप्लाई बढ़ने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है और इसी संभावना की वजह से खाने का तेल सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार।